चलिए शुरू फाइव क्लोरो फिर देखिए ऑक्टा। अब देखिएगा ऑक्टा में आप देखिए डबल बॉन्ड एगो एक पर आया है आ एगो आया है आपका पांच पर, तो लिखेंगे 1.5 आ दू गए है तो डाई आ डबल बॉन्ड ऐसा ही, चूंकि अब हमें ई नहीं लगाएंगे अंत में क्योंकि ये कहीं गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड आया आपका तीन पर। और तब देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं वाइन, तो नाम हो गया इसका 5-क्लोरो-ऑक्टा 1.5 डाई इन ट्राई वाइन 3-वाइन और ये हुआ आपका इसका नॉमेनक्लेचर। सपोज कीजिए कि इधर से भी डबल बॉन्ड इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड की संख्या समान आने लगे या डबल बॉन्ड ही समान आने लगे, या हो सकता है कि कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना हो और दोनों तरफ से लोकेंड समान आ रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना पड़े, तो उस पर हम आपके एक एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है डबल बॉन्ड देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है इसमें डबल बॉन्ड भी आया है ट्रिपल बॉन्ड भी आया है और कोई साइड चेन भी जुड़ा हुआ है, तो हमारा पहला काम यह होगा कि कार्बन का लंबा चेन लेंगे, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एट एन इंक्लूडिंग सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो तो हम लोग गिनती करेंगे इसमें दोनों तरफ से, जब कंफ्यूजन हो आप गिनती दोनों तरफ से कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती दोनों तरफ से कर लेंगे। अब लोकेंट पहचानिए, लोकेंट जो लोकेंट हम पहचान रहे हैं ना वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पहचान रहे हैं, आप ही समझिए लोकेंट माने चेलो होता है, लेकिन हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड एगो एक पर आई एगो पांच सॉरी एगो एक पर आई एगो सीधा मिला है आपका सात पर, तो हम लिखेंगे 1+7 आई इधर से जब आएंगे तब आपका लोकेंट का मिलेगा डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का, देखिए इधर से भी आएंगे तो एगो एक पर आई एगो अंतिम आपको कितना पर मिला है सात पर। देखिए यदि डबल बॉन्ड की संख्या समान दोनों तरफ से तो ट्रिपल बॉन्ड की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि हम इसमें कि डबल बॉन्ड वाला ये लिखे हैं और इसी में हम ट्रिपल बॉन्ड को ऐड कर रहे हैं, तो देखिएगा इधर से जाने पर ट्रिपल बॉन्ड आपको मिला, या फिर मान लीजिए डायरेक्टली मैं एक ही साथ बता दूं तो एक डबल बॉन्ड एक पर फिर ट्रिपल बॉन्ड तीन पर फिर ट्रिपल बॉन्ड पांच पर और फिर डबल बॉन्ड सात पर, और नीचे वाला गिनती में देख सकते हैं 1 पर फिर आप 3 मिला फिर आपको 5 मिला फिर आपको 7 में मिला, जुला के ये बात पता चला कि दोनों तरफ से लोकेंट एक समान आने लगे 1-1 कंपैरिजन दूसरे का, ये भी बराबर। तो हम लोग इसमें साइड चेन का जिक्र करेंगे, तो ये साइड चेन है आपका और ये साइड चेन है आपका, तो इधर से जब हम चले थे तो आपका जो एससी था साइड चेन इधर से गए थे तो 2 पर आ उधर से जब आएंगे तो इधर से भी साइड चेन आपका 2 पर। अब भारी समस्या कि एक तो लोकेट भी समान और दूसरा साइड चेन का पोजीशन भी समान, तो फिर आखिरी टर्म आपके पास यही होता है कि फ्लो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करते हैं, उस नंबरिंग को सही मान लेते हैं जो एबीसीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका नाम होता है CHLOR क्लोरो, IBR को हम लोग कहते हैं ब्रोमो। अब देखिएगा इसका मीनिंग सी से स्टार्ट इसका मीनिंग बी से स्टार्ट, तो पहले एबीसीडी में बी आएगा कि सी आएगा, तो पहले बी आएगा, इसीलिए ये वाला नंबरिंग सही मान के और नीचे वाला नंबरिंग को गलत मान लिया जाएगा, यानी इसको कम नंबर चाहिए तो ऊपर वाला लगा है तो 2 पर मिला है, तो इस आधार पर आप नाम दीजिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में सारा रूल आपका समा गया है, तो नॉमेनक्लेचर हम लोग इसका यहां कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा कि कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, या फिर यहीं पर नीचे लिख दे रहे हैं। तो देखिए बीआर का पहले नाम लिखेंगे तो 2 पर आया है तो नाम हो जाएगा 2-पर-ब्रोम, फिर देखिए फिर ही चेलवा का नाम लिखेंगे तो इधर से जाने पर आपका 7 पर मिला है यानी ऊपर वाला नंबरिंग में, फिर 7-पर-क्लोरो, अतः देखिएगा टोटल कार्बन आपका 8 है तो 8 को हम लोग ऑक्ट कहेंगे तो ये बन जाएगा ऑक्टा, अतः देखिए डबल बॉन्ड वाला का पहले या ट्रिपल बॉन्ड वाला को बाद, तो डबल बॉन्ड देखिए एक पर आया है एक आपका 7 पर आया तो लिखेंगे 1.7 डबल बॉन्ड
और फिर चलेंगे तो ट्रिपल वन किस पर आया है, एक को तीन पर और एक को मिला है आपको पांच पर, यानी लिखेंगे 3.5 और दो को है तो ढाई और डबल ट्रिपल वन है तो वाई, और इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो याद रखिएगा जब भी आप लोग नोमेनक्लेचर करने जाइएगा पहले सभी रूल को ध्यान से पढ़िए, बिना रूल पढ़े आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगली बार लेकर आएंगे।